गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम लोग ईवीएस की क्लास में चैप्टर नंबर 16 मींस ऑफ ट्रांसपोर्ट जो चैप्टर है उसको स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पर जो ट्रांसपोर्ट ट्रांसपोर्ट का मतलब होता है, ट्रांसपोर्ट की मीनिंग होती है यातायात, ठीक है ना। मींस मींस साधन, तो इसको कह सकते हैं यातायात के साधन, ठीक है ना। मैं इसको रीड कर रहा हूँ। व्हेन वी गो टू फ्रॉम वन प्लेस टू अनादर, जब हम एक स्थान से दूसरे स्थान जाते हैं। वी कैन गो ऑन फुट, यहाँ हम अपने पैरों पे जाते हैं। बट वी कैन नॉट वॉक वेरी लॉन्ग, ठीक है ना, लेकिन हम ज़्यादा लंबी दूरी नहीं तय कर सकते हैं, ठीक है ना। बट वी कैन नॉट वॉक वेरी लॉन्ग डिस्टेंस, इट टेक्स लॉट ऑफ टाइम टू ट्रेवल ऑन फुट। अगर ज़्यादा दूरी पैरों से तय करोगे अपने, तो बहुत सारा टाइम लगता है यात्रा करने में। सो वी यूज अ बाइसाइकिल, तांगा, टैक्सी, रिक्शा, मोटर, ठीक है ना, मोटरसाइकिल, स्कूटर, बस और ट्रेन, ये सब चीज़ें हम यूज करते हैं जब हमें ज़्यादा दूरी तय करनी होती है एक स्थान से दूसरे स्थान जाने में। दीज आर सम ऑफ द मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, ये क्या है, सभी यातायात के साधन है कुछ, ठीक है ना। दे कैन ऑल्सो कैरी गुड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनादर, ये एक स्थान से दूसरे स्थान हमारा जो माल होता है, कोई सामान होता है, वो भी ले जाते हैं, ठीक है ना। इस तरीके, हाउ डू यू गो टू योर स्कूल, आप अपने स्कूल कैसे जाते हो, मे बी बस, कार, टू व्हीलर, थ्री व्हीलर और बाय रिक्शा, रिक्शा, ठीक है ना। दीज व्हीकल्स आर कॉल्ड मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। तो आप अपने स्कूल कैसे जाते हो सकता है कि आप कार से जाते हो, दो पहिया वाहन से जाते हो, तीन पहिया वाहन से, या कोई रिक्शा है उससे जाते हो, ठीक है ना। तो ये सभी व्हीकल्स, व्हीकल्स मीन्स होते हैं वाहन, इन सभी वाहन, ये सब क्या है, ये है मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट, मतलब यातायात के साधन है, ठीक है ना। नेक्स्ट नीचे है, एनिमल्स एंड एनिमल कार्ट आल्सो यूज टू कैरी गुड्स एंड पीपल, जो एनिमल्स होते हैं मतलब जानवर, और एनिमल कार्ट जो जानवरों की जो गाड़ियाँ होती हैं, ठीक है ना, तो वो भी क्या होते हैं, ले जाने के लिए होते हैं, जैसे सामान, गुड्स मतलब माल या लोगों को, ठीक है ना, दोनों चीज़ें ले जाते हैं। नेक्स्ट, अब यहाँ पे है, मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट विच आर पुल्ड बाय मैन आर एनिमल लाइक बाइसिकल, रिक्शा, तांगा, एनिमल कार्ट आर स्लो मूविंग व्हीकल्स, वो वाले यातायात के साधन मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट जो खींचे जाते हैं, पुल्ड बाय मैन, आदमी के द्वारा, या एनिमल्स या जानवरों के द्वारा, ठीक है ना, लाइक बाइसिकल, रिक्शा, तांगा, एनिमल, ठीक है ना। तो ये सब कैसे हैं, स्लो मूविंग व्हीकल्स मतलब धीमे चलने वाले वाहन, ठीक है ना। इसी तरीके से है, इंजन ड्राइव मीन्स आर फास्ट मूविंग व्हीकल्स, जिस भी व्हीकल्स में अगर इंजन लगा हो तो उसका मतलब क्या है, वो तेज चलने वाला वाहन है। दीज व्हीकल रन ऑन पेट्रोल और डीजल, ये पेट्रोल और डीजल से ही चलते हैं, जैसे स्कूटर्स, मोटरसाइकिल, कार्स, बसेस एक्सेट्रा आर यूज टू ट्रेवलिंग शॉर्ट डिस्टेंस, ट्रेन्स एंड एरोप्लेन्स आर द यूज फॉर लॉन्ग डिस्टेंस। देखिए, जो इंजन द्वारा चलते हैं जैसे स्कूटर, मोटरसाइकिल, कार्स और बसेस, ये भी तेज चलने वाले वाहन हैं, और इसमें मतलब पैदल से थोड़ी ज़्यादा दूरी चली जाती है, लेकिन ट्रेन और एरोप्लेन है, ठीक है ना, ट्रेन्स एंड एरोप्लेन्स, ये लंबी दूरी के लिए तय की जाती है, और ये भी वेरी फास्ट मूविंग व्हीकल्स है, मतलब बहुत तेज चलने वाले व्हीकल है, मतलब वाहन है, ठीक है ना। तो आज हमने क्या सीखा, जो मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट होते हैं जिससे हम या तो स्कूल आते जाते हैं, या स्थान से दूसरे स्थान जाते हैं, ठीक है ना, या माल ले जाने के लिए जो भी साधन यूज किए जाते हैं वो क्या कहलाते हैं, यातायात के साधन कहलाते हैं, ठीक है। और उसमें कुछ स्लो चलते हैं मतलब धीमे चलने वाले साधन है, कुछ तेज चलने वाले साधन है जिसमें इंजन लगा होता है, ठीक है ना, और कुछ बहुत तेज चलने वाले साधन होते हैं जो लंबी दूरी के लिए यूज किए जाते हैं, जैसे ट्रेन एंड एरोप्लेन, ठीक है ना। अब इससे रिलेटेड कुछ एक्सरसाइज वो सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर जो एक्सरसाइज टाइम में एक्सरसाइज दी है, टिक द राइट ऑप्शन, मतलब राइट ऑप्शन पे आपको टिक करना है। तो फर्स्ट है, अ बाइसिकल इज पुल्ड बाय,
जो बाइसिकल होती है, जो साइकिल होती है, किसके द्वारा खींची जाती है? एनिमल पावर, जानवरों की पावर रखती है, मैन पावर, इंजन। तो यहाँ पे सीधी सी बात है, मैन पावर। और तांगा यूज्ड फॉर डिस्टेंस, तांगा कितनी डिस्टेंस के लिए यूज की जाती है? शॉर्ट की, वेरी शॉर्ट की, लॉन्ग, ठीक है ना? तो यहाँ पे कह सकते हैं शॉर्ट डिस्टेंस के लिए, ठीक है ना। नेक्स्ट है बुलक कार्ट इज अ मूविंग व्हीकल। बुलक कार्ट कैसा साधन है? स्लो, फास्ट और नॉट मूविंग। तो ये स्लो है क्योंकि ये एनिमल्स द्वारा पुल किया जाता है, ठीक है ना। तो ये स्लो मूविंग व्हीकल है। इंजन ड्राइव मीन्स आर, इंजन जिसमें लगा उसका मतलब क्या हो जाता है? फास्ट मूविंग व्हीकल। तो यहाँ पे फास्ट वाले पे टिक कर देना है, ठीक है ना। तो इस तरीके ये वाली एक्सरसाइज भी कर लोगे। तो आज की वीडियो में इतना ही, बाकी फिर नई वीडियो मिलेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।